पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में हुए शामिल। जुलाना से चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट, बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी। हमारी लड़ाई में कांग्रेस साथ खड़ी थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद बोले पहलवान बजरंग पूनिया। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोली साक्षी मलिक, मुझे भी ऑफर थे पर हमें त्याग करना चाहिए। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस आप में नहीं बन रही है बात, सोर्सेस की खबर, आपको मंजूर नहीं कांग्रेस का फॉर्मूला। हरियाणा में रविवार को आम आदमी पार्टी जारी कर सकते अपनी पहली लिस्ट, सोर्सेस की खबर, 50 उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दिए संकेत, कहा गठबंधन का सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बात सीट की नहीं जीत की है, एकजुटता का नया इतिहास लिखने जा रहा है इंडी गठबंधन। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सियासत गरमाई, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, इन लोगों ने अब तक राजनीति की, जनता सब देख रही है। अखिलेश यादव के बयान पर संबित पात्रा का तंज, इनके लिए त्याग का कोई मतलब नहीं, कुर्सी ही सब कुछ है। बीजेपी उम्मीदवार मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से नॉमिनेशन अपना फाइल किया, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे मौजूद। बीजेपी में बगावत जारी, पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता ने जताई नाराजगी, सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे साथ धोखा हुआ। टिकट कटने पर नरेश कौशिक का छलका दर्द, छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी, बीजेपी ने दिनेश कौशिक को दिया है टिकट। नरेश कौशिक ने ओम प्रकाश धनखड़ को बताया स्वयंभू नेता, का ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। पानीपत में भी बीजेपी को लगा झटका, संजय चौकर ने दिया इस्तीफा, सामलखा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हरियाणा में बीजेपी की हार तय, 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। विनेश फोगाट ने रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दिया, कहा रेलवे की सेवा जीवन का यादगार सफर रहा। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, समृद्ध और सुरक्षित जम्मू कश्मीर का संकल्प, 5 लाख रोजगार, 2 फ्री सिलेंडर देने का किया वादा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में मां सम्मान योजना का किया ऐलान, घर की बुजुर्ग महिला को सालाना 18,000 देने का वादा किया। जम्मू में अमित शाह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पर हमला, बोले उमर अब्दुल्ला के एजेंडे पर कांग्रेस मौन क्यों, क्या फिर से घाटी में 370 की वापसी चाहते हैं राहुल। जम्मू कश्मीर चुनाव में बुलडोजर की चर्चा, उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में बुलडोजर का डर दिखाया, बीजेपी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाती है। उमर अब्दुल्ला के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर महबूबा मुफ्ती का तंज, कहा पहले तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। जम्मू कश्मीर के लिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की एक और लिस्ट आई, सज्जाद गनी लोन हंदवाड़ा और कुपवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा की सभी 288 सीटों पर किया गया रिव्यू। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में फैसला, चुनाव से पहले सीएम फेस की मांग का विरोध करती रहेगी पार्टी। महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी की नहीं, जनता के अधिकारों की लड़ाई है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना पर सियासत जारी, शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले बोली, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को महिलाओं की याद आई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग, सोर्सेस के हवाले से खबर, गडकरी, फडणवीस, राव साहेब दानवे, चंद्रशेखर बावन कुले करेंगे चुनाव का नेतृत्व। जो लोग अहंकारी वो संवेदनशीलता से माफी को नहीं समझते, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का राहुल गांधी पर अटैक। बिहार में गमछा को लेकर गरमाई सियासत, आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के हरे गमछे पर रोक लगाई। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर आरजेडी ने निर्देश जारी किए, कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरी टोपी पहनने के लिए कहा। पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार से मिले जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर बात की। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाने को बताया बड़ी भूल, कहा 2 बार उन लोगों के साथ जाकर गलती कर दी। सीएम के बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा बार बार सफाई क्यों दे रहे हैं नीतीश कुमार, भरोसा खो चुके हैं। यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, गोरखपुर में बोले सीएम योगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, सीमापुरी से 2 बार के विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेडी से निष्कासित नेता सुजीत कुमार बीजेपी में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। महेश गौड़ तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा बंगाल का पराजिता बिल, गवर्नर सीवी आनंद बोस ने जानकारी दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार के मामले में हुई रेड, कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी ने छापा मारा। कोलकाता में संदीप घोष और करीबियों पर भी की छापेमारी, हिरासत में पूर्व प्रिंसिपल का करीबी प्रसून चटर्जी गिरफ्तार। संदीप घोष के आलिशान फार्म हाउस का खुलासा, करोड़ों के फार्म हाउस पर ईडी ने रेड की। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार किया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पीड़िता के माता पिता के बयान का किया समर्थन, कहा पैसे देकर मुंह बंद कराना सीएम ममता की नीति रही है। कोलकाता रेप केस में बीजेपी का आरोप, अस्पताल से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। कोलकाता रेप कांड का मुख्य आरोपी 20 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोलकाता केस में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में, अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी।
सीबीआई सोर्सेस के मुताबिक रेप और मर्डर में केवल संजय राव ही था शामिल। सीबीआई ने अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए, 10 से ज्यादा का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सोर्सेस के मुताबिक मृतक डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हुआ। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की, एडवांस साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को दी जाएगी डिटेल रिपोर्ट। गुजरात में जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ, पीएम मोदी बोले जल संचय सिर्फ योजना नहीं मानवता और पुण्य का काम है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। संभाजी नगर में शरद गुट के नेता जितेंद्र औहाड़ पर केस हुआ दर्ज, लाडली बहना योजना को लेकर गलत खबर फैलाने का आरोप है। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद पर घमासान बढ़ा, मस्जिद हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। शिमला में अवैध मस्जिद मामले पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इस पर राजनीति ठीक नहीं। दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला, उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दी मंजूरी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए अमानतुल्ला खान, 9 सितंबर तक बढ़ाई ईडी हिरासत। दिल्ली में अवैध कब्जे पर सख्त, एमसीडी देवली इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में चला प्रशासन का बुलडोजर, इमामबाड़ा और एक बालाजी मंदिर को हटाया गया। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा, मैक्स लोडर और बस की टक्कर, 12 लोगों की मौत। घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, 13वीं से लौट रहे थे लोग। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, पेपर गिरोह के 2 सदस्य को किया अरेस्ट। अयोध्या में दलित लड़की से रेप का मामला, रेवेन्यू टीम ने आरोपी के घर और जमीन की नापी की, अवैध कब्जा मिला तो चलेगा बुलडोजर। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 108 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत गरमाई, मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचा सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव के साथ डेलीगेशन। यूपी के बहराइच पे भेड़ियों का आतंक जारी, एक बच्चे पर फिर किया अटैक। भेड़ियों के खौफ को देखते हुए घरों में लगवाए जा रहे दरवाजे, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। एमपी के खंडवा में भी भेड़िए का आतंक, घर में सो रहे 5 लोगों पर किया अटैक। उज्जैन रेप कांड को लेकर सियासत तेज, राहुल गांधी बोले महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सीएम से सवाल, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटना पर मोहन यादव चुप क्यों हैं? एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, कमलनाथ ने भी मोहन यादव सरकार पर अटैक किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार, कांग्रेस एमपी को बदनाम करना चाहती है, घटना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। एमपी के छतरपुर में बस लूट मामले में बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने लिया संज्ञान, एसपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हरतालिका तीज के त्योहार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में महिला भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, तीज के त्योहार पर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हरतालिका तीज पर अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। कल सुबह 4 बजे होगी लालबाग के राजा की प्राण प्रतिष्ठा, सुबह 6 बजे से दर्शन कर सकेंगे लोग। गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मुंबई पुलिस तैयार, एसीपी डीसीपी से लेकर 13,000 जवान रहेंगे तैनात। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे सीएम भजन लाल, गणेश चतुर्थी से पहले की पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर एफएसएसएआई सर्टिफाइड लोग ही प्रसाद बना सकेंगे, कर्नाटक सरकार का फैसला, बीजेपी ने आदेश को हिंदू विरोधी बताया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेंगे विलेज डिफेंस गार्ड, सेना और पुलिस कर रही है लोगों को तैयार। मुंबई के लोअर परेल इलाके में टाइम्स टावर बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बेंगलुरु से 35 साल का नक्सली गिरफ्तार, सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रॉकेट बम से अटैक, रॉकेट हमले में 1 की मौत, 5 जख्मी। दिल्ली एनसीआर में दिखा बारिश का साइड इफेक्ट, डीएनडी फ्लाईओवर पर दिखा लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, नजफगढ़ और बपरौला में सड़कों पर पानी भरा। चिराग दिल्ली में भी बारिश के बाद लगा जाम, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले सीएम रेवंत रेड्डी, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान पर हुई चर्चा, केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा भी दिया। उम्मीद है केंद्र बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री। हैदराबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, नामपल्ली में ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान। आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ पर सरकार की नजर, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त राहत पर लिया अपडेट।